आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है, वो मेरी दोस्त हैं और बहुत वक्त के बाद उनसे मुलाकात हो रही है। मेरे साथ है मोनिका खन्ना। थैंक यू सो मच। कितने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं? आई वुड से सालों के बाद। दिन तो बहुत ही दूर की बात है, सालों के बाद हम मिल रहे हैं। और जब इतने टाइम के बाद आप अपने अच्छे दोस्त को देखते हो ना, तो बहुत अच्छी खुशी होती है। तो अच्छा लगा पारस तुमको वापस से मिलके। वैसे तो तुम आते नहीं हो ऑन सेट, बट मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। इनफैक्ट पिछली बार जब मैं आया था प्रेम बंधन के सेट पर, मैं आपके रूम तक भी आया था कि हम एक इंटरव्यू करते हैं। आपके फैंस बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, बट दैट टाइम यू वर बिजी और शॉट भी रेडी होने वाला था, तो उस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। बट फाइनली आज हम मोनिका से मिल रहे हैं। सो ये बताइए, ये जो नया शो, नया कैरेक्टर, नया किरदार, कितना इंजॉय कर रही हैं वंदना का किरदार? पहली बात तो जिस तरीके का, जिस तरह का माहौल है अभी, इतना एवरीबडी इज़ यू नो सफर्ड फ्रॉम कोविड पेंडेमिक एंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे वक्त पे मुझे काम करने का मौका मिला। और दैट टू बालाजी, नेवर वर्कड विद बालाजी एवर, सो दिस इज़ माई फर्स्ट शो विद देम एंड आई एम लविंग इट। आई एम जस्ट लविंग इट। आई हैव द वंडरफुल कास्ट, एवरीबडी सो नाइस, सो प्रोफेशनल, सो गुड। यू नो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वंदना का किरदार मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अब तक आपने मुझे जितने भी किरदारों में देखा है, उसमें मैं सबके घर तोड़ रही हूँ, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जो किसी के लिए बुरा करता है उसको अपने कर्मास भुगतने पड़ते हैं। तो अब मुझे, क्योंकि मैंने इतने लोगों की यू नो लाइफ को ख़राब करके रखा है, तो अब मैं यहाँ पर जो है एक ऐसा कैरेक्टर निभा रही हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। और बहुत ही प्यारे सीन्स लिख के आते हैं। और ये रियलिटी में भी बहुत लोगों के साथ होता होगा कि कुछ लोग अपनी निजी ज़िंदगी में जितने परेशान होते हैं, दुनिया के सामने वो उतना नहीं दिखा पाते हैं। तो एक तो ये बहुत ट्रिकी कैरेक्टर है मेरे लिए, और दूसरा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कभी पॉजिटिव कैरेक्टर किया नहीं है। क्योंकि जब आप नेगेटिव करते हो तो आपको बहुत खेलने को मिलता है, आपकी बाउंड्रीज जो होती है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन आप पॉजिटिव करते हो, ऐसा मेरा मानना है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हमारी जो बाउंड्रीज है ना वो कम हो जाती है। आई हैव टू बी इन द बाउंड्री, मुझे सब करना पड़ता है और बहुत ग्लिस लेना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, जो मुझे जिसकी आपको बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि रुलाने की आदत है, जिसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। इतना शोज में सबको रुलाया है, और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था थैंक गॉड आई एम नॉट डूइंग, बिकॉज इतना ग्लिस कौन लेता। बट यू नो, साइकिल वापस मेरे पास आ गई और आज मैं वो कर रही हूँ। बट आई फील इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी, बिकॉज आप वो कैरेक्टर एक निभाना शुरू कर देते हो जो आपने कभी यू नो सोचा भी नहीं था कि आपको लोग पॉजिटिव में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। बस आई गॉट गुड रिस्पॉन्स, पीपल आर लाइकिंग वंदना। और एज अ कैरेक्टर, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, द मोमेंट आई गेट इन टू द वंदना का कैरेक्टर आई बिकम लाइक दैट। तो मैं सेट पे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, अरे तुम चुप क्यों बैठी हो, अरे तुम ऐसे, तो मुझे भी समझ नहीं आता, मैं ऐसे कैरेक्टर में जाती, दुखियारी बन जाती हैं आप, दुखियारी बन जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं। व्हेन आई यूज्ड टू डू माय नेगेटिव कैरेक्टर आई वाज लाइक या ये क्या क्या कब। सो पता नहीं, ये है मेरे अंदर, विच आई फील इट्स वेरी नाइस। कोई भी कैरेक्टर में घुसने के बाद मतलब कपड़े पहनती हूँ और उसी कैरेक्टर में घुस जाती, तो अच्छा लगता है। बट येस, इट्स अगेन अ वेरी चैलेंजिंग रोल, और मज़ा आ रहा है करके, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करके, सो आई एम रियली एंजॉइंग। जो आपने कास्ट की बात कही, शो की कास्ट की, सच में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि प्रेम बंधन की जो पूरी स्टार कास्ट है, दैट्स अ स्टेलर स्टार कास्ट, सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं, और सीनियर एक्टर्स से लेकर जो जूनियर एक्टर्स तक हैं, जो यंग हैं, वो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम किरण जी को देखते हैं, उत्पेशा जी को देखते हैं, एवरीबडी इज लाइक दैट। सो अब अगला सवाल, आपने जैसा बताया कि दुखियारी सा कैरेक्टर है, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, आपके जो हस्बैंड है राजेश, उनका भी कोई कैरेक्टर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था सेट पर, तो सीन कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें वो जानकी को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो जानकी अपनी इज्जत बचा के भाग गई हमला करके राजेश पर। तो ये क्या आपकी जानकारी में है कि राजेश आपको परेशान करने के, तंग करने के अलावा ये सब भी कर रहे हैं जानकी के साथ? हाँ, मुझे पता चल गया है, क्योंकि सबके सामने आ गया है कि राजेश ने जानकी को मोलेस्ट किया था, एंड दैट वाज लाइक अ वेरी ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी कि ये इंसान मुझे अकेले में इतना मारता है, इतना पीटता है, इतना डोमेस्टिक वायलेंस करता है, और इसकी हिम्मत देखो कि ये अपने घर की बहू, अपने घर की भाभी पे उसको मोलेस्ट कर रहा है, लाइक लुक एट द गट्स। सो अभी फिलहाल मेरा और राजेश का बिल्कुल भी, पहले भी नहीं था, पहले भी हम लोगों का 36 का आंकड़ा था बिकॉज ऑफ वॉट एवर ही डज, पर अभी तो और ज़्यादा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब इंसान किसी मुसीबत में होता होता है, उसको एक पुश की ज़रूरत होती है। अभी मेरे को वो पुश मिला नहीं है, शायद वो जानकी मुझे एक पुश देगी टू बी बोल्ड, टू बी कॉन्फिडेंट, एंड टू यू नो एक आपका एक यू नो कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई करेगी। शायद वो मेरा वो एक टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं बोलूँगी कि इनफ, वो अभी तक आया नहीं है।
But to be honest, I really enjoy my work with every cast over here because everybody's one very professional. Second, I've learned a lot from him, from everyone, and especially Rajesh because मेरे mostly scenes उसके साथ होते हैं और सब domestic violence के साथ होते हैं कि वो मेरा कभी जूड़ा पकड़ के you know ज़मीन पे गिराता है कभी सारे हार्ट हिटिंग वाले होते हैं बट ही मेक श्योर कि मुझे चोट ना लगे एंड आई रियली रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ हिम ही इज़ वेरी प्रोफेशनल वेरी टेक्निकलिटी वाइज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ स्क्रीन ही इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट सो वी आर वेरी बेस्ट विद ईच अदर वी आर बेस्ट पैली हम लोग एक ही रूम में सब बैठ के खाना खाते हैं बकुल सर विनीत यू नो शिखर एवरीबडी एंड वी हैव अ लाइक यू नो हर सेट पे फैमिली बन जाती है तो बस वही एक और फैमिली का नाम देना चाहती हूँ सो इट इज़ अमेजिंग माई केमिस्ट्री विद एवरी वन इज सुपर्ब एंड एवरी डे कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है तो आप जिस पूछ की बात करी थी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी और जानकी की एक बहुत जल्दी टीम बनने वाली है और अपनी सास के बारे में जाएगी क्योंकि सास ही पूरा खेल रच रही है घर में बैठकर तांडव मचा रही है ये कब देखने को मिलेगा अभी तक तो क्योंकि बहुओं की बैंड बज रही है बहुएं सास की बैंड कब बजाएंगे बहुत जल्द थोड़ा वक्त है लोगों को भी पता लगने दीजिए एक्चुअली थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जानकी की तरफ से ये थी कि उसको लगता था कि मैं उसे इस घर से निकालना चाहती हूँ विच वॉज करेक्ट बट मैं इस घर से उसको इसलिए निकालना चाहती थी क्योंकि उसको यहाँ के राज नहीं पता थे यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें होती हैं मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू सेव हर लेकिन वो उल्टा ले गई और उसको लगा कि मैं उसे नहीं चाहती हूँ बट अभी जो ये सीन्स हम लोगों ने किए मेरे और जानकी के काफ़ी ब्यूटिफुल सीन्स गए हैं वेयर शी अग्रीड दैट कि यू नो मुझे लगता था कि आप मुझे नहीं समझती हैं बट यू आर द ओनली वन जो मुझे अच्छे से समझती हैं सो हम लोग का एक टीम ऑलरेडी बन चुका है मैं दादी शिखर जानकी और या वी फोर ऑफ अस और हम बस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है हमें लगता है श्वेता है लेकिन फिर भी हमको लगता है कि श्वेता के भी पीछे कोई हाथ है सो वी आर जस्ट फाइंडिंग इट आउट कि कौन ऐसा कर रहा है और जिस दिन पता चल जाएगा जैसा मैं हमेशा से अपने इंटरव्यू पे कहती आई हूँ कि हमेशा हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और वैसे ही ऐसा ही होगा पर उसको थोड़ा टाइम लगने दीजिए क्योंकि अगर वो यू नो क्लाइमेक्स पहले ही आ जाएगा फिर इन्जॉय कैसे कर पाएगी ऑडियंस सो वो थोड़ा सा लंबा खींचने दीजिए आपको आपको तो पता ही है कौन क्या कर रहे हैं हमको भी जब पता चलेगा तो अच्छा ही मजा आएगा सुनीति मोनिका खन्ना काफी वक्त के बाद मुलाकात हुई लेकिन उनका नया किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है और शो भी बहुत अच्छा है कैमरामैन प्रथमेश के साथ पारस कोठारी इंडिया टीवी मुंबई